मित्रों 6 मार्च अर्थात प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉप जी का बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन भी कहते हैं। उन्होंने फार्मा फील्ड में जो योगदान दिया है, वो पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने बी फार्म और एम फार्म कोर्स लॉन्च किया है। आज का दिन है जो इंडियन फार्मेसी एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। और हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल सर जी है, उन्होंने फार्मा अन्वेषण करके एक प्रोग्राम अरेंज किया है। यहाँ पे गेस्ट लेक्चर, एक्सपर्ट टॉक रहेंगे। उसके साथ ही महादेवलाल श्रॉप जी ने जो कोई भी योगदान दिया है फार्मा फील्ड में, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सुशील सूदन, मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोंटू कुमार एम पटेल जी को, कि जिन्होंने कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में जो हमारे फार्मेसी के फादर हैं डॉक्टर एम एल सराफ जो प्रोफेसर हैं, उनका जो 121वां जन्मदिन है उस पर नेशनल हेल्थ एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डे जो मनाया है, ये पहली दफ़ा हुआ है। तो हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत जो प्रेसिडेंट साहब के एक दूरदर्शी जो फैसला लिया है उस पर। दूसरा, इसमें आज कुछ MOU साइन होने हैं, कुछ इसमें फार्मा जॉब का कुछ होगा, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आगे भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आगे प्रोग्राम करती रहे। और इस प्रोग्राम में फार्मा अन्वेषण जो हमने नेशनल एजुकेशन डे डिक्लेयर किया है फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने इस साल, तो उसके लिए हमारी पूरी फार्मेसी काउंसिल इंडिया का जितने भी मेंबर सपोर्ट किए उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और ये डे हर साल मनाया जाएगा, नेशनल एजुकेशन डे। अभी सजेशन भी उसमें आया कि नेशनल एजुकेशन डे की जगह नेशनल एजुकेशन एंड इनोवेशन डे, ऐसा एक सजेशन आया है। तो हम इसका टाइटल आगे जाके चेंज करेंगे, फार्मा अन्वेषण हर साल मनाया जाएगा और जिसमें टीचर और स्टूडेंट को रिसर्च जो भी क्या वो इंडस्ट्री में प्रमोट होगी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये गुजारिश है आपसे कि MSOF के नाम पे कुछ PCI को एक फंड फ्लोट करना चाहिए जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करे। आप इसमें बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आप इन इंडिविजुअल्स का या उन कॉलेजेस का इस तरह से बनाएं कि वो पैसा आपका वेस्ट ना जाए। बहुत लोग आपको मिलेंगे उसमें आपको एडवाइस करने वाले जो आपको बता पाएंगे कि किस तरह से मैट्रिक डेवलप करें कि उस पैसे का सही उपयोग हो सके इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन डेवलपमेंट कॉलेजेस। सो मेरी ये पहली गुजारिश है। दूसरा, आपके गुड ऑफिसर्स के थ्रू इंटर्नशिप्स जो हैं वो बहुत बहुत ही जरूरी है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। कुछ इस तरह की स्कीम आप लॉन्च करवाइए जो वर्ष में कॉलेजेस से अच्छे स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं वो उनको इंडस्ट्रीज में भेजिए, कुछ पेमेंट करके भेजिए, कुछ उनको इंसेंटिव दीजिए कि अच्छा काम हो, लोग समझ पाए। और जो मैं बोल रहा था कि दोनों पार्टी एक दूसरे को समझें, हॉस्पिटल में जरूरी होता है डॉक्टर हो नर्स हो, उतना हमारे लिए फार्मासिस्ट जरूरी है। खास करके मैं तो ये कहूंगी कि हमारा हैंडराइटिंग, मैं डॉक्टर के रूप में बोल रही हूँ, मिनिस्टर के तौर पे नहीं बोल रहे हो, मैं डॉक्टर के रूप में, जब हम हैंडराइटिंग के बारे में अगर किसी को इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो वो फार्मासिस्ट को है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस इतना भी अच्छा है कि एक बार एक पेशेंट गया और पर्ची लेके डॉक्टर के पास फिर लेके गया और बोला डॉक्टर साहब ये दवाई तो मिल ही नहीं रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई का नाम नहीं है, मैंने तो पेन सिर्फ चलाया, वो चल रहा है कि नहीं देखने के लिए। पेशेंट ने बोला अच्छा, लेकिन फार्मासिस्ट ने कहा कि ये कल तक दवाई पहुंच जाएगी। तो इतना भी अच्छा और कॉन्फिडेंस हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जरूर हमारा नाता अलग है और एक दूसरे की जरूरतों को हम पूरा करते हैं। और इमरजेंसी लेवल पे तो कभी कभी डॉक्टर से पहले पेशेंट तो कभी कभी फार्मासिस्ट के पास भी जाता है कि भाई अब क्या करें। तो एक गाइड के तौर पे, क्योंकि आपको पता होता है कि ये दवा के अंदर क्या है, इसका वैल्यू क्या है, और आप जानते हैं और आप सुनिश्चित करते हैं
कि इसको इसका रोगियों के लिए कितना असर होने वाला है, तो आपको भी उतना ही कष्ट लेना है, उतना ही उसमें प्रिपरेशन करना है जितना कि एक डॉक्टर करते हैं। मुझे लगता है कि उस दिशा में हमारी ये एजुकेशन सिस्टम को और अच्छे तरह से स्ट्रांग करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर हम कॉलेजेस के माध्यम से देखते हैं तो आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपेक्षा व्यक्त की है कि हमारे उन कॉलेजेस में अच्छा स्किलफुल का ट्रेनिंग हो, हमारे लैब्स अच्छे हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें ये हेल्थ सेक्टर के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ उनका रोल हो। मुझे लगता है कि एक कोविड के काल में हमारी फार्मा की जो सप्लाई चेन थी वो बहुत ही अच्छी रही, और लगातार इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, कहीं पे कभी कमी हुई है तो तुरंत उस पर काम भी कर रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग को लेके हो या पहुंचाने तक की इस सारी सप्लाई चेन ने अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। इसका भी मैं आप सबके सामने मैं अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ऐसे काल में काम किया है जब बहुत ही हमें उपलब्धियाँ कमी थी, लेकिन उसके बावजूद हम सभी ने इस मोड़ पे आके काम किया। ये एक बहुत सुंदर प्रयास है, ये एक ट्रिब्यूट है प्रोफेसर ML शराफ के लिए और फार्मेसी प्रोफेशन की रिकॉग्निशन के लिए। अभी तक कोई भी सार्थक प्रयास PCI की तरफ से जो था इतना बड़ा नहीं हुआ था। बहुत अच्छा प्रयास है PCI की तरफ से फार्मेसी प्रोफेशन को, अब फार्मेसी और मेडिसिन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाती है। सर, आज जो प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ सर जी है उनका बर्थ एनिवर्सरी है, और इसी के मौके पर मतलब जो फार्मा अनवेंशन प्रोग्राम रखा था जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को एक साथ लाने के लिए एक आयोजन किया था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम हमने ऑफिशियली PCI के पैट्रोनेज में स्टार्ट किया। दो रीज़न है, एक हमारा जो हमारे फादर ऑफ फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी जिनको बोलते हैं प्रोफेसर ML श्रॉफ सर, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्निशन, जो ही इज़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, बट उनको एक ऑफिशियल डे के रूप में मनाना, दैट विल बी वर्दी आई कैन से टू पे होमेज टू हिम फॉर हिज वर्क ऑफ फार्मेसी। एंड दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट था कि उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हम आगे कैसे बढ़ाएं, तो फार्मेसी एजुकेशन का जो मैक्सिमम यूटिलिटी और जो यूटिलाइजेशन है, हमारे मैन पावर का जो कंजम्पशन है, इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर, तो हाउ व्हाट द इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, देयर रिसर्च, देयर इनोवेशन, सो दैट्स वाई वी ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। ये कार्यक्रम का रीज़न ये है करने का कि ये बच्चों के लिए हम इंडस्ट्री से सीधे रूबरू हों और वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि हमें ऐसा ज़रूरत है, आप ऐसा रिसर्च कीजिए जो कि यूटिलाइज्ड है, इसका कमर्शियल वैल्यू हो, जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। सर, सिलेबस के बारे में आज सर ने स्पीच में भी बताया और आपने भी सिलेबस कमेटी में बहुत अहम रोल जताया है, तो मेरा क्वेश्चन है कि आगे जाके हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है, तो उसमें क्या क्या मतलब बदलाव आ सकते हैं? फार्मेसी के सिलेबस पे जो अभी जो कंटेम्प्रेरी कोविड के बाद में बहुत सारे नए डायमेंशन है, जो जिसके बारे में हमने सुना नहीं था, सोचा नहीं था, ये पक्ष आया है, तो जो नया सिलेबस है वो आज की डिमांड और आने वाले अगले 10 साल में हमारा जो एकेडमिक्स और रिसर्च सिनारियो क्या होगा उसको ध्यान में रख के प्लान कर रहे हैं, कमिंग जो फ्रॉम द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑल्सो एंड वॉट इज़ प्रेजेंटली रिक्वायर्ड। In that also we are giving flexibility of what the people are or student are requiring. So this will be an entirely different syllabus with a different structure. Thank you, sir. अभी आदरणीय प्रेसिडेंट श्री मोंटू कुमार जी हैं, हाँ, ये बहुत ही आगे की सोच रखने वाले विजनरी लीडर हैं। इन्होंने क्या किया कि जो इंडस्ट्री और इसका एकेडमिया का जो ये होना चाहिए, कोलोबरेशन होना चाहिए, वो ठीक से हो नहीं रहा था ना, उसको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक 10-12 बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ, IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस और बड़ी बड़ी कंपनियों के समूह के साथ, हाँ, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिससे ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को या कॉलेजेस को या टीचर फैकल्टी को, ये इस फील्ड में नए एक आयाम को स्थापित करेंगे। मास्टर ट्रेनर होंगे, जो टीचर्स होंगे वो मास्टर ट्रेनर होंगे, वो इंडस्ट्री में भी अपना हुनर दिखा सकेंगे,
उसके अलावा इनोवेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जो टैलेंटेड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ, जो भी इनोवेटिव हैं, हाँ, उनके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इन्हीं कंपनियों के माध्यम से, हाँ, क्योंकि कंपनियों के पास बहुत सारे फंड होते हैं, उसमें ये लोग एडजस्ट करेंगे। तो इससे पीसीआई का पैसा भी बचेगा, कंपनी अपने संसाधन से लड़कों को पेटेंट जो भी होगा, इनोवेशन होगा, वो कराएंगे। सर, दूसरा एक सवाल है, आज यहाँ पे एक पेटेंट प्रेजेंटेशन का भी कंपटीशन टाइप रखा गया है, तो स्टूडेंट में, मतलब इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, तो ये रिसर्च को बढ़ावा मिले इसलिए सिलेबस में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या मैसेज देंगे? सिलेबस में नया सिलेबस ड्राफ्ट हम लोग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ, आप दो तरह के सिलेबस हम लोग तैयार करें, एक क्लिनिकल फार्मेसी के लिए सिलेबस अलग से तैयार कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल के लिए अलग से सिलेबस तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो उसके नीड के अनुसार हम लोग हॉस्पिटल्स के साथ भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ, जैसे एम्स हो गए ना, पीजीआईज हो गए, या बड़े बड़े जो अभी बड़े ग्रुप्स हैं मेदांता ना, उनके साथ भी हमारा MOU साइन होगा, तुरंत साइन होगा। इसके अलावा अभी हम लोग इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि भारत जो देश है सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है जेनरिक ड्रग्स का, और इसमें इन लोग के पास फंड्स की कमी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ के पास, इंडस्ट्रीज़ भी चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स आए सीखने के लिए, ठीक है। तो उसको प्रॉपर ढंग में मोंटू भाई पटेल जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, वो उस चीज़ को जानते हैं, उस बारीकियों को जानते हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है, तो उस क्षेत्र के अनुसार वो काम कर रहे हैं, हाँ, और इससे आगे के जनरेशन में इंडस्ट्रीज़ को अच्छे लड़के मिलेंगे, और जो पढ़ाई का गुणवत्ता भी होगा, हाँ, वो बहुत सुधरेगा, क्वालिटी, हाँ, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अन्वेषण का प्रोग्राम आज अरेंज किया है, हाँ, माधवलाल श्रॉफ सर जी के ट्रिब्यूट में, तो उसके बारे में बताइए। अन्वेषण यानी जो फार्मास्यूटिकल लाइन के जो नए मॉलिक्यूल और नए मेडिसिन का जो रिसर्च और डिस्कवरी होता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके पेटेंट नहीं रहते हैं, वो पेटेंट के बारे में आज यहाँ चर्चा होने वाली है, और वो मेडिसिन का उसका प्राइस कंट्रोल और उसके जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, इसके बारे में उसमें चर्चा होंगी। उसके बाद में पेटेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसा अमेरिका में जो पेटेंट रजिस्टर होते हैं, उसी से के इंडिया में भी पेटेंट रजिस्ट्रेशन PCI के थ्रू होना चाहिए, ऐसे हमारे प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का उनका कहना है, और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है कि जो नए जो रिसर्चर है उनको डेवलपमेंट मिलना चाहिए, जो नए जो मैन्युफैक्चरर उनको ये मिलना चाहिए, और कंपनी टू फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, इसके अंदर का टाइप जो होना चाहिए उसके लिए ये मेन कार्यक्रम है, यानी मेन एजुकेशन टू इंडस्ट्री, इसका कोऑर्डिनेशन के कैसा हो जाए, इसकी वजह से ये कार्यक्रम अरेंज किया।